तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी पक्षी या पैराकिट्स पालने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है, उसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों पहली बात आती है पैरेट्स के टाइम पे पैराकिट्स के लिए। उसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी पैरेट्स रखते हैं तो आप कई बार नोटिस करते हैं कि आपका जो पैरेट है वो अपनी चोंच को घिस रहा होता है पिंजरे में, या फिर लकड़ी कोई पिंजरे में है, किसी भी चीज़ से अपनी चोंच को घिस रहा होता है, तो आप लोगों को लगता है कि शायद वो बीमार है या उसको भूखा है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पैरेट्स के टाइम के लिए क्या होता है कि पैरेट्स की जो चोंच होती है वो रेगुलरली बढ़ती है दोस्तों, तो वो उसको घिसते हैं और उसको बढ़ने से रोकते हैं, उसको शेप देते हैं प्रॉपर। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर उसकी चोंच बढ़ जाएगी तो उसको दाना उठाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और अपना सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। फिर अगर चोंच बढ़ गई तो दाना उठा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है और उसकी सडनली डेथ हो जाती है। इसलिए वो अपनी चोंच को रेगुलरली घिसते रहते हैं और जितना उनको चोंच चाहिए होती है उसको प्रॉपरली शेप देते हैं। दोस्तों अगर आपने केज में कोई भी पैरेट्स रखा है, कोई भी पैरेट्स रखा है या बजीज हो गया, कोई भी पैरेट्स की पैराकिट्स की कोई भी आपके पास प्रजाति होगी, तो वो अगर आपने रखा है दोस्तों तो आपको करना क्या है, उस पैरेट के केज में कुछ पत्थर या लकड़ियाँ डाल देनी है। जैसे कि मैंने देखी लकड़ियाँ काफ़ी डाली हुई हैं इसमें, तो आप उससे अगर डाल सकते हैं, उससे क्या होगा वो उसको अपनी चोंच को बढ़ने से वो रोक सकता है। दूसरा दोस्तों आता है कि जो पैरेट्स को आप घर में रखते हैं केज में, तो शाम के टाइम यानी कि रात के टाइम आप उनके केज के ऊपर कपड़ा डाल दें या फिर कमरे की लाइट बंद कर दें। अदरवाइज आप लाइट नहीं बंद करते हैं तो वो 24 घंटे लाइट में रहता है और वो परेशान हो जाता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है और आपकी लाइट की वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाता, उसको लगता है कि अभी तक दिन है, रात हुई नहीं है और वो सो नहीं पाता है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो रात के टाइम आपको करना क्या है, या तो आपको अपने केज को कपड़े से ढक देना है या फिर रूम की लाइट ऑफ कर देनी है दोस्तों। तीसरा दोस्तों एक मिथ होता है कि चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले से गिर जाए या आप उसको टच कर दें, तो उसको अगर टच कर देंगे तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको गिरा देंगे। दोस्तों ये एक मिथ है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप कहीं देखते हैं कि चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया है तो आप उसको उठा के घोंसले में वापस रख दें, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको अच्छे से पाल सकते हैं। उसके क्या होगा, आपका जो बेबी होगा बर्ड्स का वो बच जाएगा, उसको नई ज़िंदगी मिल जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप बर्ड्स लेना चाहते हैं या आपने रखे हुए तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी थी जानना, तो आप ये बातें जानकर ही बर्ड्स लें। तो तीसरी बात आती है बर्ड्स को फूड की, बर्ड्स को प्रॉपर खाना दें, उसका केज टाइमली साफ करें, दिन में या दो दिन में एक दिन का केज हमेशा साफ़ करते रहें। अदरवाइज़ क्या होगा, केज साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा बर्ड्स को आपकी, और फिर बर्ड्स की जो है सडनली डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बर्ड्स को प्रॉपर फूड दें, प्रॉपर उसको बात कराएं, उसको प्रॉपर दवाई दें, और कैल्शियम की दवाई बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो कैल्शियम की दवाई आप उनको हमेशा हफ्ते में देते रहें, पानी में डालकर दे सकते हैं या फिर उनके फूड में मिक्स कर दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।